एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे बालों का जो सीक्रेट है अपडेटेड वन। एक मैं पहले ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मैं अपने बालों से रिलेटेड दो वीडियोस कर चुकी हूँ। एक में आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट माई हेयर जर्नी, मैंने क्या बालों में करवाया आज तक, एवरीथिंग इज मेंशन इन दैट। एंड द सेकेंड वीडियो वॉज आई गेस कि मैं अपने बालों का कैसे ध्यान रखती हूँ, व्हाट प्रोडक्ट्स ऑल आई यूज फॉर दैट। और भी बहुत सारी वीडियोज आई कीप ऑन मेकिंग जिनमें कि मैं DIY शेयर करती हूँ, या फिर व्लॉग्स में भी आप लोग देख लेते होंगे कि व्हाट ऑल आई डू फॉर माई हेयर। सो बेसिकली आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि आफ्टर माई केराटिन ट्रीटमेंट मेरे बालों पे जो इफेक्ट पड़ा, और उसके बाद में मेरे बालों के साथ मैंने क्या करना शुरू किया, मैं क्या चीजें यूज करती हूँ, क्या चीजें यूज करना मैंने अवॉइड किया है, एवरीथिंग आई एम गोना शेयर इन दिस वीडियो। सो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और जो साइड में बेल बटन है ना उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं DIY की। DIY के लिए आई एम करंटली नॉट यूजिंग एनीथिंग एल्स, लाइक अंडा वंडा ये सब मैं यूज नहीं कर रही हूँ। मैं घर के सादी जो चीजें होती हैं वो यूज कर रही हूँ। जैसे कि इफ समडे आई एम फीलिंग कि मेरे बालों को थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, देन व्हाट आई डू इज जो प्लांट एलोवेरा जेल होता है मैं उसको लेती हूँ, आई कट इट फ्रॉम बिटवीन, उसके दोनों लेयर्स को सेपरेट करती हूँ, और मैं उसको रूट्स में मसाज करना स्टार्ट कर देती हूँ। इससे बेटर DIY आप कुछ नहीं कर सकते हो अपने बालों के लिए एलोवेरा जेल को रब करना। बिलीव मी, आपको फर्स्ट वॉश में ही अपने बाल इतने सॉफ्ट एंड स्मूथ फील होंगे, एंड जब आप धीरे धीरे उसको यूज करते रहेंगे हमेशा अपने बालों के लिए, देन डेफिनेटली आपके बालों में बहुत अच्छी अच्छी आपको प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको अपने बालों में नजर आएगा। स्पेशली इफ यू आर समवन जो अपने बालों में ग्रोथ चाहते हैं, स्मूथनेस चाहते हैं, शाइन चाहते हैं, डू गो फॉर एलोवेरा जेल। द सेकेंड DIY विच आई लाइक टू डू इज यूजिंग मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी के अंदर ऑयल डाल के एंड मतलब मुल्तानी मिट्टी को गीला करके, एंड एज अ हेयर मास्क, मुल्तानी मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी क्लिंजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपके स्कैल्प को बहुत डीपली क्लीन करती है, ऑल्सो वो बालों को शाइन प्रोवाइड करती है, हेल्दी लुक देती है। सो ऑल एंड ऑल मुल्तानी मिट्टी इज वेरी गुड। अगर आपको चाहिए मैं मुल्तानी मिट्टी को मतलब क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें मैं डाल डूल के क्या लगाती हूँ बालों में, अगर आपको वो जानना है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज इफ अगर मैं डिटेल में इस वीडियो में जाने लगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सो द सेकंड वन इज मुल्तानी मिट्टी। एलोवेरा जेल अगर किसी के घर में अवेलेबल नहीं है एलोवेरा जेल का प्लांट, तो मेरे पास उनके लिए ऑप्शंस है। सो फर्स्ट वन इज दिस सौंदर्य पतंजलि एलोवेरा जेल। ये तो बेसिकली केसर चंदन वाला वेरिएंट है, इसका एक नॉर्मल ग्रीन वाला आता है, दिस आई यूज फॉर माय फेस, और वो ग्रीन वाला आई यूज फॉर माय हेयर। द सेकंड वन इज दिस मामा अर्थ एलो टर्मरिक जेल विद प्योर एलोवेरा एंड टर्मरिक फॉर स्किन एंड हेयर, एंड दिस इज द अदर वन जो कि ऑप्शन में है। मेरे को पहले इसके बारे में इतना ज्यादा मैं श्योर नहीं थी, बट वंस आई स्टार्टेड यूजिंग दिस इट्स अ नाइस प्रोडक्ट, तो इसके बारे में मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बट इट्स अ गुड ऑल्टरनेटिव फॉर अ प्लांट वाला एलोवेरा जेल। बट प्लांट वाले की अपनी अलग खूबियाँ होती है, इसकी अलग खूबियाँ होती है। मैं ये नहीं बोल रही प्लांट वाला इज ऑल इन ऑल सेफ, उसको भी आपको यूज करना आना चाहिए। सो या दीज आर द टू प्रोडक्ट्स विच आई यूज फॉर DIY मास्क वगैरह। उसके बाद बारी आती है ऑयलिंग की। आप मुझसे लिखवा के ले लो, इफ यू विल स्टार्ट ऑयलिंग योर हेयर एटलीस्ट वंस अ वीक, आपके बालों में जो बदलाव आने वाला है आई एम डैम श्योर ऑयलिंग करने से डेफिनेटली बदलाव आएगा। आप खुद सोचो, अगर एक प्लांट, अगर आप प्लांट के अंदर पानी डालते रहते हो तो ही प्लांट ग्रो होता है ना, सेम वे हमारे बालों के लिए जो उसको ग्रो होने के लिए चीज चाहिए दैट इज हेयर ऑयल। सो हेयर ऑयल यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, ऐसा नहीं होता है कि आपने अभी दो हफ्तों से यूज किया है, तीन हफ्तों से यूज करे, एक महीने से यूज करे, आपको वो वाला रिजल्ट मिल जाए जो इंसान पिछले 10 साल से यूज करे, 10 साल से यूज करते हुए और 1 साल से यूज करते हुए में बहुत फर्क होता है। सो आई विल सजेस्ट यू कि सब्र होना चाहिए। तो जो चीजें यहाँ पे मैं बता रही हूँ मैं सच में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो मेरे लिए वर्क कर रहा है, जो चीजें मैं अपने लिए यूज करती हूँ, जो चीजें मैंने सुनी है और अपने ऊपर अप्लाई करके उसका रिजल्ट देखा है, मैं सिर्फ वो चीजें शेयर कर रही हूँ कि वो मेरे लिए वर्क की नहीं की,
और मैं बचपन से अब तक क्या करती आ रही हूँ, पहले इनकी बात करते हैं। स्टार्टिंग में इफ यू हैव सीन माय वीडियोस तो आप लोगों ने देखा होगा कि आई यूज़ टू यूज़ या तो ओनली कोकोनट ऑयल या फिर आई यूज़ टू मिक्स कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड नीम ऑयल और मतलब आलमंड ऑयल। मैं चार पांच ऑयल्स को यूज मिक्स करके एंड अपना एक छोटा सा पोटली बनाती थी, ऑयल की बॉटल में स्टोर करती थी एंड दैट आई यूज़ टू यूज़। बट अगर कंटिन्यूसली आप एक ही ऑयल यूज़ करते रहते हो ना तो आपके बालों को उसकी आदत हो जाती है। और मे बी वो ऑयल, मान लो एक ऑयल आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है बट एक प्रॉपर्टी मिसिंग है, तो आपके बालों में वो एक चीज़ की कमी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग दीज टू ऑयल्स, तो इसमें कुछ कमी है, इसमें कुछ कमी है, जो इसमें कमी है वो ये पूरी करता है, जो इसमें कमी है वो ये पूरी करता है। सो अगर आप इसको ही हमेशा यूज़ करते रहोगे तो जो इस ऑयल में कमियाँ हैं वो आपके बालों में हमेशा कमियाँ रहेंगी। सेम वे अगर आप ये ऑयल यूज़ करते रहोगे तो इसमें जो कमी है वो आपके बालों में हमेशा कमियाँ रहेंगी। दैट्स वाई कमियों को मतलब पूरा करने के लिए वी शुड कीप ऑन चेंजिंग आर हेयर ऑयल आफ्टर एवरी 6-7 months। तो जो पिछले मैंने ये ऑयल्स यूज़ किए थे, आई वॉज यूजिंग देम फ्रॉम लास्ट 1 year से भी ज़्यादा हो गया था मुझे टाइम, बट आई कीप ऑन स्विचिंग, लाइक एक महीने मैंने कुछ यूज़ के लिए वापस उस पर चली जाती थी। बट नाउ आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस, दिस इज डाबर आलमंड हेयर ऑयल फॉर डैमेज फ्री हेयर। सो दिस इज वॉट द हेयर ऑयल लुक्स लाइक। और इस पर भी मैं इसलिए गई बिकॉज आफ्टर केराटिन या ड्यूरिंग केराटिन ही लगा लो, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने शुरू हो गए थे, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था। मे बी वो केराटिन मुझे सूट नहीं हुई, फॉर दैट रीज़न हो सकता है, या फिर जो मैंने अच्छे से केयर तो खैर केराटिन में कुछ करनी नहीं थी। इफ आप केयर करनी स्टार्ट करते कुछ भी अपने बालों में लगाते वो केराटिन तभी निकल जाती, ये बात मैंने नोटिस कर ली थी। सो दैट्स वाई मैंने कुछ लगाया नहीं केराटिन के टाइम पूरे 3 महीने, एक्सेप्ट शैम्पू एंड कंडीशनर या वो हेयर मास्क जो उन्होंने मुझे बोला था, उसके सिवा मैंने कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि उन्होंने साफ बोला था आपको कुछ भी नहीं लगाना। आफ्टर 3 months आई स्टार्टेड ऑयलिंग, तो मैंने इस ऑयल पे आया बिकॉज ये डैमेज हेयर को ठीक करने के लिए अच्छा है, इसका अच्छा रिव्यू भी मैंने सुना हुआ है और मेरी फैमिली भी इसे ही यूज़ करती है। सो आई स्विच्ड टू दिस ऑयल फ्रॉम लास्ट 2 months, आई एम यूजिंग दिस ओनली एंड इट्स नाइस। आई डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट दिस ऑयल बिकॉज सिर्फ 2 महीने हुए, 2 महीने में आई कांट से एनीथिंग। सो मे बी आफ्टर 6 months आई विल टेल यू गाइज अबाउट दिस ऑयल एज वेल। बट आलमंड है, आलमंड इज रियली 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 गुड फॉर योर स्किन एज वेल एंड योर हेयर एज वेल। तो या सो ये मैं यूज़ करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में अगर मैं 2 बार हेयर वॉश कर रही हूँ तो 1 बार तो एटलीस्ट मेरे बालों में तेल की बढ़िया वाली चंपी हुई हो। सो या नाउ लेट्स टॉक अबाउट शैम्पू। शैम्पू आप लोगों को स्टार्टिंग से पता है, day 1 से मैंने बता रखा है मेरा फेवरेट शैम्पू कौन सा है। सो दैट इज दिस ट्रेसमे केराटिन स्मूथ आर्गन ऑयल शैम्पू एंड आई स्वेयर बाय ऑन दिस प्रोडक्ट, इट इज सो गुड। मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ बट आई स्विच टू अनदर प्रोडक्ट एज वेल। जैसे कि मैंने बोला, एक चीज़ को आप बहुत टाइम के लिए यूज़ मत किया करो, अदरवाइज आपकी स्किन, आपके बाल उसके लिए वो कहते हैं ना, वो हो जाते हैं यूज टू हो जाते हैं। सो फिर आपको फील होता है अरे ये मेरे कुछ वर्क नहीं कर, फॉर दैट रीजन। सो इसमें जो कमी है वो दूसरा शैम्पू कंप्लीट कर देता है, फिर मैं वापस इसी पे आ जाती हूँ। सो इसके अंदर है, आई थिंक इसके अंदर सल्फेट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या इसके अंदर सल्फेट है, बट इट्स डूइंग गुड फॉर माई हेयर, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर से मेरे बालों की सारी केमिकल जो ट्रीटमेंट थी वो जा चुकी है, सो मुझे कोई रिस्क नहीं है ये यूज़ करने में, तो दैट रीज़न आई एम यूजिंग दिस। बट अभी जब से मैंने केराटिन मेरी ख़त्म हुई है, आई एम यूजिंग दीज टू पेयर। दीज शैम्पूज आर फ्रॉम हिमालयन ऑर्गेनिक्स, दिस इज देयर टी ट्री शैम्पू एंड दिस इज देयर मोराकन आर्गन कंडीशनर। ये मुझे एक ब्रांड के थ्रू रिसीव हुए थे, उन्होंने मुझे रिव्यू के लिए भेजे थे एक्चुअली। बट आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो, मैंने मेरे चैनल पे इनके बारे में कोई भी फुल फ्लेज रिव्यू नहीं किया है बिकॉज मुझे ये शैम्पू इतना कुछ खास पसंद नहीं है। इट इज़ गुड, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ही बकवास शैम्पू है, शैम्पू अच्छा है, बट द थिंग इज द ओनली थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस शैम्पू इज ये आपके बालों को हद से ज़्यादा ड्राई फील देता है आफ्टर वॉश, बिकॉज मे बी इसके अंदर टी ट्री है और टी ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो आपके बालों से सारा नरिशमेंट उड़ा के ले जाता है। सो दिस इज द ओनली थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट द शैम्पू एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जो ये शैम्पू है ये बहुत ज़्यादा थिक है, सो ये इस पंप से निकल नहीं पाता, बहुत दिक्कत आती है। दिस इज दीज आर द ओनली टू थिंग्स विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस शैम्पू, अदरवाइज दिस इज
नाइस, ओनली नाइस. बट इफ यू विल आस्क मी कि मुझे रिकमेंड करोगे या नहीं, मैं थोड़ा बोलूंगी इसको छोड़ के कुछ और ट्राई कर लो. इससे भी अच्छे बहुत शैम्पूज आते हैं मार्केट में. सो दिस इज द ओनली थिंग विच आई लाइक वॉन्ट टू से अबाउट दिस. बट ऑन द अदर हैंड, जो इसका कंडीशनर है, मोराकन आर्गन कंडीशनर, बाय गॉड आई स्वेयर दिस प्रोडक्ट इज सो 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 गुड. मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ आपको ये आपके बालों को कितना बढ़िया फील देता है आफ्टर वॉश के बाद. अब ये नहीं है कि मुझे ब्रांड ने भेजा तो मैं घिसी पिटी बातें बोलूंगी, मुझे बोलना हो तो मैं इसके बारे में बोल सकती थी. बट लिटरली ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा है. मैं इसको डेफिनेटली रीपर्चेज करने वाली हूँ. 3 to 4 पंप्स लेती हूँ मैं इसके, एंड मेरे पूरे बालों में अच्छे से लेदर करती हूँ इसको. और आफ्टर वॉश जो इफेक्ट आता है ना, बाय गॉड दैट सुपर्ब. अभी भी आई थिंक ये सिर्फ इतना ही यूज हुआ है मेरा, सो यू कैन इमेजिन बहुत थोड़ा चाहिए होता है, एंड आई एम गुड टू गो. इसका प्राइस है 795 रुपीज, एंड दिस इज 300 ml ऑफ प्रोडक्ट. बहुत ज्यादा अच्छा है ये. अमेजोन पे इजिली अवेलेबल है. अगर मुझे लिंक मिल गया तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. बट ओके, सो द नेक्स्ट थिंग विच आई यूज फॉर माई हेयर आफ्टर द वॉश इज फर्स्ट एक टिप और दूंगी मैं बीच में. नेवर एवर कॉम योर हेयर वेन दे आर वेट. बाल आप जब वॉश कर, आप अपने बाल में कुछ भी अप्लाई करते हो, आप ऑयल भी अप्लाई करते हो पहले कंघी करो उसके बाद ऑयल अप्लाई करो. आप अगर बालों में मास्क अप्लाई करते हो पहले कंघी करो उसके बाद मास्क अप्लाई करो. आप अपने बालों में शैम्पू करने जा रहे हो अपने बालों को पहले कंघी करो उसके बाद शैम्पू करने जाओ. इससे क्या होता है, जो बाल आपके ड्राई होते हैं तब जो आप कॉम करते हो वो कम टूटते हैं एज कम्पेयर टू बाल जब वेट होते हैं या फिर आप उनके अंदर कुछ लगा रहे होते हैं तब वो ज़्यादा टूटते हैं. सो इसलिए हमेशा पहले कंघी करो ताकि जो एक्सेस में बाल टूटने हैं वो थोड़े कम टूटे और बाद में आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो वॉश करने का तो मैंने अभी कुछ ही टाइम से नोटिस किया है कि हाँ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. इफ़ आई कॉम माई हेयर बिफोर वॉशिंग देम, आफ्टर वॉश के बाद जब मैं मेरे बालों को नॉट फ्री बनाती हूँ, बहुत ईजिली नॉट फ्री होते हैं, बिल्कुल भी डिटैंगल करने में डिफिकल्टी नहीं आती है. सो दिस इज वन थिंग विच आई हैव नोटिस्ड. एंड ऑल्सो आफ्टर वॉशिंग माई हेयर, द लास्ट प्रोडक्ट फॉर माई हेयर विच आई यूज इज अ सीरम. सीरम अब मैं यूज कर रही हूँ, 4 साल हो जाएंगे मुझे इस जुलाई में यूज करते हुए सीरम को. एंड सीरम की मुझे लत लगाई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम सेमी स्ट्रेटनिंग करवाई थी, तो सीरम से बहुत फर्क पड़ता है. लिटरली आई हैव नोटिस दैट फर्क पड़ता है सीरम से. सो आई यूज टू यूज स्ट्रीक्स. सो मैं ना फ्लक्चुएट करती रहती हूँ इन बिटवीन स्ट्रीक्स एंड लिवॉन. लिवॉन मुझे इतना नहीं पसंद है, मुझे स्ट्रीक्स ज़्यादा पसंद है. बट ऑब्वियसली आई हैव टू चेंज द प्रोडक्ट्स, मैं उसको कब तक घसीटती रहूँगी. सो मैं लिवॉन यूज़ करती हूँ, कभी स्ट्रीक्स यूज़ करती हूँ. अभी मेरा स्ट्रीक्स खत्म हुआ, सो आई एम यूजिंग लिवॉन. एंड ये खत्म होगा देन अगेन आई विल गो टू स्ट्रीक्स. ऑब्वियसली अभी लॉकडाउन खत्म हो तो ग्रैब करने जाएं उसको. बट या स्ट्रीक्स इसके मैं आई थिंक आई टेक 5 to 6 ड्रॉप्स. मैं थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ, 2 to 3 लेनी चाहिए वैसे तो. 5 to 6 ड्रॉप्स हाथ में लिया, उसको वार्म अप किया, और ऐसे आपको अपने एंड्स पे लगाना होता है. हमेशा मेक श्योर आप कंडीशनर और अपना सिरम, ईयर है ना आपका जो, ये इससे नीचे नीचे बालों में लगाए, ऊपर ना लगाए, वो रूट्स में नहीं लगना चाहिए. बट स्टिल व्हाट आई लाइक टू डू इज, मुझे जो उन्होंने टेक्निक बताई थी, पहले अपने नीचे लगा लो, जो हाथ में फिर भी थोड़ा बहुत बच गया उसको अच्छे से मसाज करके एंड ऊपर ऐसे ऐसे कर लो. उससे वो ऊपर ऐसे रूट्स में मसाज नहीं करना है. उससे क्या होगा, जो थोड़े बहुत ऊपर के बाल है उनमें भी थोड़ी शाइन चली जाएगी. द ओनली फंडा विच वी हैव इज इफ यू वॉन्ट द रिजल्ट देन यू हैव टू डू द हार्ड वर्क. बिना हार्ड वर्क ये रिजल्ट नहीं मिलने वाला है किसी भी चीज में. आप इस फंडा को अप्लाई कर सकते हो. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. इफ यू डू सो देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में. सो तब तक के लिए बाय.